नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। रामर्ती की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम रेखा था, जो देखने में काली थी। वह उसके बड़े बेटे मोहन की बीवी थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। रामर्ती अपनी बड़ी बहू को उसके रंग के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी छोटी बहू का नाम कमला था, जो कि उसके छोटे बेटे रवि की बीवी थी। रामर्ती छोटी बहू कमला को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी और उसको रवि के लिए उसने पसंद किया था। रेखा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। रामर्ती अपने पति से रेखा की चुगली करती है कि अगर मोहन ने मेरी बात मानी होती तो उसकी भी कमला जैसी सुंदर बहू लेकर आती। रामर्ती का पति भी अपनी पत्नी को समझाता था कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के गुण मायने रखते हैं। लेकिन रामर्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामर्ती के छोटे बेटे और बहू ने गोवा जाने का प्लान बनाया। उनको दो दिन बाद गोवा जाना था। अगले दिन रामर्ती की कमर में बहुत दर्द होने लगा। उसको डॉक्टर के पास जाना था, तो उसने अपने छोटे बेटे रवि को कहा, तो रवि ने बोला कि आज हमें शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है, आप बड़े भाई के साथ चले जाइए। शाम को जब वह घर लौटे तो रामर्ती की तबीयत ज्यादा खराब थी और घर पर डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर ने रामर्ती को एक हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह दी। रवि के पिता ने रवि को गोवा में बाद में जाने की सलाह दी। तब छोटी बहू कमला बोली कि हमने गोवा जाने का बहुत दिन से प्लान किया हुआ है, माँ जी तू रोज रोज बीमार होती है, यह कहकर चली गई। मोहन बोला, पिताजी कोई बात नहीं, मैं रेखा को कल सुबह ही बुला लूंगा। अगले दिन रवि और उसकी बीवी गोवा चले गए। रेखा को जैसे ही पता चला कि माँ जी की तबीयत खराब है, वह तुरंत घर पर पहुंच गई। रामर्ती को इस सब से पता चल चुका था कि रंग रूप से ज्यादा व्यक्ति के गुण महत्व रखते हैं। वह जिस छोटी बहू को अच्छा समझती थी, उसके गुणों ने उसको दैत पहुंचाया, जबकि जिस बड़ी बहू रेखा को वह पसंद नहीं करती थी, उसके अच्छे गुणों से वह बहुत खुश थी। नैतिक शिक्षा। हमें व्यक्ति के रंग रूप से ज्यादा उसके गुणों को ध्यान देना चाहिए।